जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में। और इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों दर्शन शास्त्र के तीन मुख्य दर्शन शास्त्र, जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद। हम जानेंगे, समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है और क्या है पूरा कॉन्सेप्ट इन तीनों वादों के, ऑल द थ्री इज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म। तो इन तीन वादों को हम आज इस आसान से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आदर्शवाद की अर्थ परिभाषा और इसके सिद्धांत के बारे में। तो आदर्शवाद का हम थीरी जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं, मोस्टली जो हमारे देश के लोग हैं या हम हैं और आप हैं, हम आदर्शवाद में यकीन रखते हैं। लेकिन आदर्शवाद में कम्प्लीटली यकीन नहीं रखते, आंशिक रूप में यकीन रखते हैं। आदर्शवाद क्या कहता है दोस्तों? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ या इंसान का निर्माण कैसे हुआ, तो आप कहेंगे कि ईश्वर ने, प्रभु ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमें बनाया। तो यह सोच रखना कि एक ईश्वर है, ईश्वर ने हमें बनाया है, हमें ईश्वर की पूजा करनी है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, यह दोस्तों यह सोच रखना, ये आदर्शवाद दर्शन कहलाता है। यह दृष्टिकोण आदर्शवाद दर्शन कहलाता है। आदर्शवाद दर्शन क्या कहती है कि ये शरीर कुछ नहीं है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वह संपूर्ण चीज़ है। और आत्मा है, आत्मा का आवरण शरीर है, आत्मा को ढकने के लिए कपड़े के समान ये शरीर है। इस शरीर का कोई मोल नहीं, जैसे आत्मा शरीर, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा हमारा शरीर बदलती है, इस शरीर से कहीं और चली जाती है, दूसरी दुनिया में चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है आदर्शवाद की। आदर्शवाद मानता है कि परम सत्य ईश्वर ही है, हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, वो परमात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, और अंततः हमें इस दुनिया में आकर ईश्वर को पा लेना ही यह अंततः सच्चाई है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये आदर्शवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली आध्यात्मिक से जुड़ा होता है। ईश्वर, ईश्वर की भक्ति, स्वर्ग, आत्मा, परमात्मा, इन सारी चीज़ों पर जुड़ा होता है। तो अब आइए ज़रा थीरी देखते हैं। अच्छा, इससे पहले अगर आप समझना चाहें यथार्थवाद क्या कहता है, तो यथार्थवाद को समझ जाइए। यथार्थवाद कहता है कि आत्मा का मतलब कुछ नहीं, ईश्वर का मतलब कुछ नहीं, और जो वस्तुएं हैं हमारे पास, जैसे शरीर हमें दिखाई देता है, रियलिज्म का मतलब जो वास्तव में शरीर एग्जिस्ट करता है, तो ये शरीर का महत्व है। वास्तव में हमारा घर, हमारा दुनिया, हमारा खेल परिवार, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो वस्तुतः हैं, वही सारी चीज़ें, वही सत्य हैं, उसी को हमें पाना है। आत्मा, ईश्वर, परमात्मा इन चीज़ों का नहीं मानता, इन चीज़ों को अपना दृष्टिकोण नहीं रखता। ये रखता है कि बस जो चीज़ें हमारे पास वस्तुतः हैं, वस्तु है, वही वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, वही सर्वत्ता है, उसी को सुख पाना, दुनिया में सुख पाना, सुखी से रहना, यही कॉन्सेप्ट होता है आदर्शवाद, यथार्थवाद की। इसके विपरीत प्रकृतिवाद भी ईश्वर को नहीं मानता। प्रकृतिवाद ये कहता है जैसे प्रकृति ने चाँद बन गया, प्रकृति में सूरज पानी बन गया, वैसे प्रकृति में इंसान बन गया, इसमें ना कोई आत्मा का मतलब है, ना कोई परमात्मा का मतलब है, किसी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। अब आइए हम वन बाई वन देख लेते हैं कि आदर्शवाद के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपसे एग्जाम में लिखता है तो इसको कहते क्या, क्या लिखेंगे कैसे और कैसे इसको समझेंगे। चलिए तो देखिए, आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म का मतलब आइडिया प्लस इज्म, आइडिया का मतलब विचार, इज्म का मतलब वाद। तो ये एक विचारवाद है, आपका मन में जो विचार है, मस्तिष्क में जो विचार है, वही वास्तव में सत्य है। यह दर्शन की एक शाखा के लिए प्रयुक्त होता है। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, और जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो एक सोच की बात होती है, एक दृष्टिकोण की बात होती है कि आप किस तरह से इस दुनिया को देखते हैं। ठीक है, आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया, आपका दर्शन क्या है। अब इस दर्शन में उच्च आदर्शों की बात की जाती है। आपके जो आदर्श है, आचरण है, व्यवहार है, ये उच्च होना चाहिए, इसकी बात की जाती है। और इस दर्शन से संबंधित विचार की चिरंतन सत्ता विश्वास करते हैं। अतः मूलतः इस दर्शन को विचारवादी दर्शन अथवा आइडियलिज्म कहते हैं। इस दर्शन को हम विचारवादी दर्शन भी कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं। मतलब आपके विचार सही होने चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। आदर्शवाद के अनुसार सिर्फ विचार ही सत्य है, आपका मन सत्य है, आपके मन में आने वाली इच्छाएं सत्य है, आपका विचार सत्य है, इसीलिए उसको क्या करिए, शुद्ध करिए। इसीलिए उसको सिवा सत्य का अर्थात रूप नहीं है, इसके सिवा सत्य का अर्थ नहीं है। मतलब मन के अलावा, विचार के अलावा, आपके आत्मा के अलावा कोई और सत्य नहीं है, यही आपका सत्य है। हमारा व्यवहार मस्तिष्क से नियंत्रित होता है, इसलिए मस्तिष्क की वास्तविक सत्य है, भौतिक शरीर को इसकी छाया मात्र है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, वही वास्तविक सत्य है। हमारा जो शरीर है वो तो बस एक छाया है, वो तो बस एक आवरण है, वो तो कुछ नहीं है। शरीर की बात नहीं, मन, मस्तिष्क और आपकी विचारों की बात की जाए। मनुष्य वास्तव में आत्मा ही है और शरीर तो केवल इसका कवच मात्र है जो नष्ट हो जाएगा, यानी मनुष्य असल में आत्मा का ही रूप है। तो यथार्थवाद आपने देखा क्या कहा कि मनुष्य का मतलब कुछ नहीं,
मैं हूँ मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो शरीर है ना, ये रंग रूप जो है, ये कुछ नहीं है भाई, ये तो कपड़े हैं, ये तो आवरण है जिसने आत्मा को ढक रखा है। अब जो इस विचार के लोग होते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिखाई देते हैं। आदर्शवाद विचारधारा के लोग अपनी आत्मा को शुद्ध मानते हैं, आत्मा को सच्चा मानते हैं, शारीरिक बनावट संरचना को नहीं। तो इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर हैं, गोरे हैं, काले हैं, क्या हैं। तो कोई मतलब नहीं कि आप आईलाइनर लगाएं, मस्कारा लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, आई शेडो लगाएं, लिप लाइनर लगाएं, फाउंडेशन लगाएं, क्रीम लगाएं, पाउडर लगाएं, कुछ भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो बस एक आवरण है, ये तो बस एक दिखावा है। वास्तव में आपका जो शुद्धता है वो आपके मन और आपके आत्मा में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से फिजिकली से कोई फर्क नहीं पड़ता इस विचारधारा के अंतर्गत। इसीलिए इसको कहा गया कि शरीर तो केवल कवच मात्र है दोस्तों, जो नष्ट हो जाएगा, यानी मनुष्य का असल में आत्मा ही सत्य है। चलिए, समझ में आ गया, आदर्शवाद को समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। अब इसकी कुछ परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में वही कहा जाएगा कि आध्यात्मिक को भाना। देखिए, पश्चात विद्वानों हेडरसन द्वारा नोट दी गई परिभाषा से अधिकतर विद्वान सहमत हैं। वो क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, आपके आध्यात्मिक पक्ष पर, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल मनुष्य और जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, आपका आध्यात्मिक होना, ईश्वर से जुड़ा होना। एक तत्वज्ञानी आदर्शवाद यह विश्वास करता है कि मनुष्य सीमित मन और उस असीमित मन से निकलता है, मनुष्य की सीमित मन है जो एक असीमित मन से निकला हुआ है। व्यक्ति यह संसार दोनों बुद्धि विचार के अभिव्यक्ति हैं। भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जाती है। भौतिक की जो हमारा संसार है बस हमारा मानसिक संसार है, वास्तव जो हमारा है वो आध्यात्मिक है। तो ये परिभाषा दिया गया था, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं आदर्शवाद के मूल सिद्धांत को, उसके बाद ये आदर्शवाद यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ओके, आदर्शवाद के मूल सिद्धांतों में क्या कहा गया कि पहला दोस्तों कि ब्रह्मांड जो है ईश्वर द्वारा निर्मित है। ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, ईश्वर द्वारा निर्मित है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, मतलब इस दुनिया के से बेहतर है कि वो दुनिया कौन सी दुनिया, जो एक आध्यात्मिक दुनिया है, जो ईश्वर से मिल जाने की दुनिया है, यानी कि स्वर्ग और नर्क को पा लेने की दुनिया, मतलब स्वर्ग को पा लेने की, ठीक है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, ठीक। मनुष्य संसार की श्रेष्ठ रचना है। आइडियलिज्म मानता है कि ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, चांद बनाए, सितारे बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन सबसे जो अशरफुल मखलूकात बनाए दोस्तों, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रचना बनाई है वो मनुष्य को बनाई है, वो इंसान को बनाई है, ये अशरफ है। चलिए, मनुष्य का विकास उसकी भौतिक आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। अब मनुष्य कितना डेवलप कर सकता है ये उसके आध्यात्मिक शक्ति और उसके भौतिक शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कितना ईश्वर से जुड़ सकता है और कितना थोड़ा सा मेहनत, शारीरिक मेहनत कर सकता है, भौतिक से जुड़ सकता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मअनुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्य की अंतिम उद्देश्य क्या है दोस्तों, ईश्वर की प्राप्ति है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। एक अच्छा इंसान बनना आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति के लिए, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। नैतिकता का मतलब आपके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, सद्भाव, क्या कहते हैं, टॉलरेंस, मतलब सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें आपके अंतर्गत आनी चाहिए। अनैतिक नहीं हो सकते आप, ठीक है, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें आप नहीं हो सकते। अब तीन मुख्य इसकी विशेषताएं, जिसे तत्व मीमांसा, ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, मूल्य एवं आचार मीमांसा। दोस्तों ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम जानेंगे कि आदर्शवाद में इसकी क्या व्याख्या है। ये तीनों क्या हैं, जैसे तत्व मीमांसा, तर्क मीमांसा और आचार मीमांसा या मूल्य आचार मीमांसा, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये दर्शन की शाखा है। जैसे फिलॉसफी जिनको जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें बखूबी पता है, हर एक चीज़ की शाखा होती है। जैसे इंजीनियरिंग की शाखा होती है मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ये इनकी शाखा होती है, ठीक है। साइंस की शाखा में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये इनकी एक ब्रांचेज होती हैं। मैथ में स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें इनके ब्रांचेज। ठीक उसी तरह से फिलॉसफी में ये ब्रांचेज होते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या बताता है, तत्व का मतलब कोई चीज़ की रचना कैसे हुई, किसकी खोज करना, इसको जानना, ठीक है। जैसे ये धरती कैसे बना, इंसान कैसे बना, इसकी रचना करना, ये तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है, ठीक। उसके अलावा ज्ञान मीमांसा का मतलब इस रचना के बाद ज्ञान कैसे, मतलब आपको उस रचना के बाद उसके बारे में पढ़ना है कि वास्तविकता क्या है, ज्ञान लेना है। जैसे मान लीजिए इंसान बना, तो इंसान किस लिए बना, इंसान को ज्ञान कहाँ से मिलेगा, इंसान के आने की ज़रूरत क्या है, तो ज्ञान के बारे में जानना है, ज्ञान मीमांसा, तर्क मीमांसा होती है। मूल्य मीमांसा का मतलब हमारी वैल्यूज़ क्या है, हम किस लायक हैं, हमें आखिर पाना क्या है, तो ये मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आता है। अब हम आदर्शवाद की अगर हम तत्व मीमांसा की बारे माने, तो आदर्शवाद में तत्व मीमांसा का मतलब आदर्शवाद कैसे मानता है कि सृष्टि या संसार की रचना कैसे हुई,
तो बिल्कुल ऐसे ही मानता होगा कि हमें ईश्वर ने बनाया। देखिए प्लूटो ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया, पहला विचार जगत, दूसरा वस्तु जगत। विचार जगत मतलब वो जो आप मन में सोचते हैं, वस्तु जगत वो जो आपको दिखाई देता है। विचारों में अनादि अनंत एवं अपरिवर्तनशील मानते थे। उनकी दृष्टि से इन विचारों को एक दैवीय नैतिक व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से ईश्वर जगत की निर्माण करता है। ठीक, तो प्लूटो ने माना कि ईश्वर ने जगत का निर्माण किया। विचारों को नैतिक व्यवस्था में विश्वास के कारण उनकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद कहा जाता है। विचारवाद को नैतिक, क्योंकि आप जब एक अच्छे इंसान बनेंगे, नैतिकता बनेंगे, तभी आपके विचार शुद्ध होंगे। वहीं दोस्तों आत्मा को प्लूटो ने ईश्वर का एक अंश माना, ईश्वर का। तो आत्मा का दोस्तों प्लूटो जो है वो आत्मा को ईश्वर का ही अंश मानते थे। उनके अनुसार आत्मा इस संसार में आने से पहले विचारों के जगत में रहती है, इसलिए यह आने के बाद विचारों के जगत में ही जाने की इच्छा रखती है। आत्मा जहाँ से आई है वहीं जाने की इच्छा रखती है, उन्होंने ये माना। क्या माना? सृष्टि की रचना कैसे हुई? सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। मनुष्य की रचना कैसे हुई? एक आत्मा के द्वारा हुई। हमारे अंदर एक आत्मा, एक विचार है जो पहले दूसरी जगत में थी, अभी हमारे अंदर आ गई है। तो इस तरीके से उनको इन्होंने क्या था, तत्वमीमांसा, राइट। इन्होंने तत्वमीमांसा में माना कि इसे ईश्वर की, सॉरी, ब्रह्मांड की रचना, मनुष्य की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। इसमें एक आत्मा होती है जो ईश्वर की जगत में रहती है, वो यहाँ से जाने की इच्छा रखती है। हम यहाँ पे आए हैं अपने नैतिकता का निर्माण करने के लिए। तो ये यहाँ पे मोटा मोटी समझने की बात यह है कि जो तत्व मीमांसा ये कहता है कि हमारा निर्माण कैसे हुआ, तो ईश्वर के द्वारा निर्माण हुआ। ओके, तर्क मीमांसा मतलब ज्ञान क्या है भाई, ज्ञान क्या है? तो सच्चा ज्ञान क्या माना उन्होंने? ईश्वर के स्वरूप को जानना दोस्तों। ईश्वर के स्वरूप को अगर आप जान गए, यही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान को उन्होंने तीन रूपों में बांटा, इंद्रियजन्य, स्मृतिजन्य और चेतनजन्य। इन्होंने तीन प्रकार से माना। लेकिन तर्क और ज्ञान मीमांसा का मुख्य यही है कि प्लूटो ने कहा कि ईश्वर को सच्चा मान लेना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर को जान लेना ही क्या है, यही दोस्तों ज्ञान एवं तर्क मीमांसा है। अब आदर्शवाद के मूल्य एवं आचार मीमांसा की बात करते हैं। मूल्य का मतलब आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपकी वैल्यू क्या है, इसके बारे में मूल्य मीमांसा बात करते हैं। तो देखो प्लूटो के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति में तो वो तीन सनातन मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति को आवश्यक समझते थे। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर बल देते थे, मतलब एक अच्छा जीवन जी। तो मूल्य क्या है भाई? आपका मूल्य ये है कि आप सत्यम, शिवम, सुंदरम की तरह अपना जीवन व्यतीत करें, नैतिक जीवन जिए। नैतिक जीवन में उन्होंने मनुष्य को चार सद्गुणों, संयम, धैर्य, ज्ञान एवं न्याय होना आवश्यक बताया। तो ये दोस्तों एक आपके मूल्य हैं, आप इस तरीके से जीवन भीतर व्यतीत करेंगे। उनका विश्वास है कि सद्गुण आत्मा के गुण है और जो मनुष्य इन्हें जितना अधिक प्राप्त कर लेता है उतना ही अधिक वो सत्यम, शिवम, सुंदरम की ओर बढ़ जाता है, अंत में आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेता है। तो आपका अंतिम उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपका मूल्य क्या है, ये है दोस्तों आपके आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेना, मतलब ईश्वर को प्राप्त कर लेना। और उसके लिए क्या करना है, आपको नैतिक जीवन पर जीना है। क्यों? क्योंकि नैतिक जीवन जीने से सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति होती है। और इसके लिए कुछ चार गुण बताए, वो गुण कौन कौन से है? ये दोस्तों संयम रखना, मतलब अपने अंदर संयम रखना, धैर्य रखना, ज्ञान और न्याय को, न्याय ज्ञान कर, ज्ञान जानना सीखना और न्याय करना, ये चार गुण बनाए बताएं। इसके अनुसार आप क्या करेंगे, आपका नैतिक जीवन अच्छा होगा और आप सत्यम, शिवम, सुंदर को प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी आत्मानुभूति को प्राप्त होगा और यही वास्तव में आपका मूल्य है, यही वास्तव में आदर्शवाद की आचार्य एवं मूल्य व्यवस्था, मूल्य मीमांसा। अब जरा इसको हम कंक्लूड करेंगे आदर्शवाद को। देखिए आदर्शवाद की हम विचार या अवधारणा की बात करें तो आदर्शवाद यही मानता है ईश्वर की प्राप्ति यही सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार का निर्माण कैसे हुआ? ईश्वर ने किया। ईश्वर ने कैसे निर्माण किया? ईश्वर ने एक शक्ति भेजी अपने अंश से, जैसे एक परमात्मा है और एक आत्मा है, तो परमात्मा के अंश से एक आत्मा हमारे अंदर आई जो इस शरीर को छोड़ के एक दिन चली जाएगी। हमारा शरीर क्या है? एक आवरण है, एक कपड़ा है, एक ढकने की चीज़ है। वास्तव में जो मनुष्य का अस्तित्व है वो उसकी आत्मा से है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यह आदर्शवाद मानता है। अब परीक्षा में आपसे पूछे कि आप इसकी अवधारणा क्या होती है, समझ में आ गई, इसकी इसके सिद्धांत क्या होते हैं, हमने बता दिया, इसके ज्ञान तर्क और ये ज्ञान और तर्क और तत्व मीमांसा क्या होते हैं ये समझ में आ गई। तो बिल्कुल कोई ज़रूरी है कि आप एज इट इज़ इन्हीं शब्दों में लिखिएगा, अपने शब्दों में, अपने विचारों से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्लूटो जो है इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने इनकी शुरुआत प्लूटो से ही मानी जाती है, फादर ऑफ आइडियलिज्म इनको ही माना जाता है। कोई असुविधा नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी, इसे लिख लेंगे। चलिए समझ के चलिए बाबू। अब आइए देखते हैं हम यथार्थवाद का, रियलिज्म का। रियलिज्म का मतलब हम मानता ही नहीं, ठीक है। जैसे एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि हमें ईश्वर ने बनाया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं ईश्वर ने नहीं बनाया, ये एक वस्तु है, जैसे कोई वस्तु बन जाती है वैसे हम भी बने हुए हैं। ईश्वर का कोई मतलब नहीं, आत्मा का कोई मतलब नहीं, आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती,
जो हमारा शरीर है वही वही वास्तविक है, हम सुख प्राप्त कर लें, खुश रह लें। यही आदर्शवाद नैतिकता पे बल देता था, ये भौतिक सांसारिक चीज़ों पे बल देगी। ठीक, अब एक और चीज़ समझ जाइए, दर्शन में हमें डिबेट नहीं करना है कि हम ये सही है या ये गलत है, नहीं, ये दोनों एक दृष्टिकोण है, लोगों के अपने सोचने के तरीके हैं, उन्होंने इस दुनिया को ऐसे देखा, इन्होंने इस दुनिया को ऐसे देखा, हमें डिबेट नहीं करना है कि ये सत्य है या ये गलत है। जब आप ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे तो उन्होंने अपने पूरा मन बना लिया है, आदर्शवाद कहेगा कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यथार्थवाद कहेगा कि दुनिया एक वस्तु का तरीका है, इंसान एक वस्तु की तरह है। तो डिबेट नहीं करना है, बस इसको समझना है कि किसकी कौन सी विचारधारा है। ठीक है, यथार्थवाद को ज़रा देख लेते हैं। यथार्थवाद को अंग्रेजी में कहते हैं रियलिज्म। ठीक है, रियल मतलब जो वास्तव में है, जो वस्तु सत्य में है। रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, और रियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है, रियल प्लस इज्म। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है, अर्थ होता है कि वस्तु और इज्म, मतलब वस्तुवाद, इसको क्या कहते हैं, वस्तुवाद कहते हैं। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ है वस्तुवाद अथवा वस्तु के अस्तित्व के संबंध में विचारधारा। ठीक, अतः वस्तुवाद वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वस्तु को वास्तव की वास्तविकता पर बल देता है। यह विचारधारा भौतिकवाद पर आधारित है, और भौतिकवाद के अनुसार केवल भौतिक जगत ही सत्य है, आध्यात्मिक जगत का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार यथार्थवाद का सिद्धांत है जो जगत को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वो दिखाई पड़ता है या जिस रूप में वो दिखाई देता है। ठीक है, हमें स्वर्ग या नर्क नहीं दिखाई देता तो हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे, जो वस्तु हमें जगत दिखाई दे रहा है, ये देश संसार ये दुनिया, यही सत्य है और यही खुश रहना सत्य है। ठीक है, तो ये हो गई बात यथार्थवाद की। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा था कि यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हमें दिखाई देता है। ठीक है, बस एक नाम याद कर लीजिएगा, स्वामी राम तीर्थ जी ने कैसे माना यथार्थवाद को, कैसे बताया। अगला पॉइंट, अब जैसे हमने आदर्शवाद में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आदर्श मीमांसा देखा, वैसे ही हम यथार्थवाद को देखते हैं। तत्व मीमांसा में फिर वही बात कि कैसे इस दुनिया का निर्माण मानता है, ज्ञान मीमांसा का मतलब कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, वास्तव में सच्चा ज्ञान क्या है। आदर्शवाद का सच्चा ज्ञान क्या था, ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर को जान जाना, ये सच्चा ज्ञान था। मूल्य और आचार मीमांसा क्या था, आपका आचरण आचार कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, नैतिकता होना चाहिए। तत्व मीमांसा में आदर्शवाद ने माना कि इस दुनिया की रचना, संसार की रचना ईश्वर ने की है। जरा आइए देखते हैं कि यथार्थवाद क्या मानता है तत्व मीमांसा की। तत्व मीमांसा यथार्थ, यथार्थवाद यह मानता है कि ब्रह्मांड गतिशील पदार्थों का बना है, गतिशील पदार्थों का बना है, जैसे पदार्थ होते हैं वैसे उनसे बना है। हम अपने अनुभवों के आधार पर जगत के नियमित क्रियाकलापों को पहचान कर सकते हैं। पदार्थ गतिशील है, वह अस्तित्व है, इसीलिए सत्य है। तो जो भी ब्रह्मांड में गतिशील चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई दोस्तों, ब्रह्मांड एक गतिशील पदार्थ है। ठीक है, जैसे पृथ्वी है घूम रही है वैसे पदार्थ है, इसका कोई ईश्वर से लेना देना नहीं, इसको कोई आत्मा परमात्मा से लेना देना नहीं। मनुष्य भी क्या है दोस्तों, मनुष्य भी एक पदार्थ के रूप में। अब इसका ज्ञान मीमांसा क्या कहता है दोस्तों, ज्ञान मीमांसा में कहता है कि ज्ञान क्या क्या है, तो यथार्थवाद कहता है कि यथार्थवाद का विचार है कि वास्तविक जगत का अस्तित्व, मतलब वास्तविक जगत समझ लेना, वास्तविक वस्तुओं को जानते, क्योंकि इसका अस्तित्व तो जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको जान लेना, उसको समझ लेना, यही क्या है दोस्तों, इसकी ज्ञान मीमांसा है। हम यह कह सकते हैं कि वस्तु का वास्तविक जगत में अस्तित्व है तो वो सत्य है, कोई भी कथन विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार है, ज्ञान का अस्तित्व मस्तिष्क ही स्वीकार करता है। तो मतलब सिंपल सी बात यह है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अच्छे से नहीं लिखा पाया है, तो इसकी ज्ञान मीमांसा ये कहती है कि वास्तविक जगत को, इस दुनिया को जानना ही, यही वास्तव में इसका ज्ञान मीमांसा है, इसका ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब यथार्थवाद ये कहता है कि ये दुनिया का निर्माण एक गतिशील पदार्थ के साथ हुआ है, ये जैसे हम एक ऑब्जेक्ट हैं वैसे ही पदार्थ एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये घर है, दिस वाला ऑब्जेक्ट, वैसे ये पूरी ब्रह्मांड क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरफ में मानता है, इसको वास्तविक रूप में मानता है। ठीक है, अब आइए जरा इसका मूल्य मीमांसा को देख लेते हैं। यथार्थवाद प्राकृतिक नियमों में विश्वास करता है, उनका कहना है कि मनुष्य इस नियमों का पालन करके ही सद जीवन व्यतीत कर सकता है। मतलब वहाँ हमने आदर्शवाद में देखा था नैतिक जीवन, नैतिकता को मानना था, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे दोस्तों मानता है कि हमें भौतिक जीवन, ठीक है, जो भी सांसारिक भौतिक जीवन है इसको जान के ही आप सुखी जी सकते हैं, आप बहुत ईमानदार बनेंगे तो आप यहाँ पे धोखे खाएंगे, ये चीज़ें मानती है। अब ये मानता है दोस्तों कि सौंदर्यपूर्ण कलाकार ब्रह्मांड की प्रकृति व्यवस्था है, तर्क की प्रतिछाया है, कला की सराहना की जाए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम मनुष्य एक वस्तु है, जैसे आप घर बनाते हैं तो उसको सुंदर बनाते हैं,
उसको पेंटिंग करते हैं, तो मानो से भी एक वस्तु है, आप भी इसमें मेकअप कर सकते हैं, आप जो भी मेकअप्स के आइटम्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं कि आप मूल्य मीमांसा का मतलब आप जो वस्तु जगाते हैं यही सत्य है, इसको सुंदर बनाइए, इसको पाइए और इसी चीज़ को बनाए। तो ये हो गई बात यथार्थवाद। चलिए अब इसके सिद्धांत देख लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे अगले पॉइंट पर। तो यथार्थवाद के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फंडामेंटल सिद्धांत हैं। क्या हो सकता है दोस्तों? ये दोस्तों एक आंगिक सिद्धांत का मानता है, थियरी ऑफ ऑर्गेनिज्म को मानता है। जैसे वस्तु की रचना होती है वैसे ही ऑर्गेनिज्म को मानता है। मानव में वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल देता है, आध्यात्मिक जीवन पर बल नहीं देता, जो भी व्यवहारिक जीवन है उस पर बल देता है। यथार्थवाद प्रालौकिक को मतलब स्पिरिचुअल को ये नहीं मानता है, मतलब भगवान ईश्वर इसको नहीं मानता। वस्तु जगत में नियमितता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स जो भी है उसको मानता है। इंद्र ज्ञान ही यथार्थ है, जो हम देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो पा सकते हैं, जो छू सकते हैं, वही सच्य है। दृश्य जगत यथार्थ है, जो हम देख सकते हैं वही सत्य है। तो ये सारी चीज़ें इसकी मुख्य सिद्धांत हो गई। ठीक है, अब आता है प्रकृतिवाद। देखिए प्रकृतिवाद और यथार्थवाद में बहुत अंतर नहीं है। प्रकृतिवाद भी जैसे वो ऑब्जेक्ट को मानता है ठीक वैसे प्राकृतिक रूप में मानता है। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी साइंस की बात हो गई, यहाँ पे जो फिजिक्स की बात हो जाएगी। वास्तव में फिजिक्स का मतलब ही प्राकृतिक होता है। ठीक, अब इसको समझेंगे। तो केवल और केवल आदर्शवाद ही ऐसा विचारधारा है जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, आत्मा को मानता है। उसके अलावा चाहे यथार्थवाद हो, चाहे प्रकृतिवाद हो, चाहे प्रयोजनवाद हो, ये तीनों विचारधाराएं ईश्वर की और आत्मा को नहीं मानती। प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद कहता है दोस्तों, पहले तो ये नेचर से बना है, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद। ठीक है, इसका अर्थ हुआ दोस्तों प्रकृति से संबंधित। इस प्रकृति से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन ही प्राकृतिकवाद है। मतलब ये मानता है कि जो हमारा हम जैसे ऑब्जेक्ट बनता है ना, अणु से मिलकर बनते हैं, उसके बाद परमाणु से मिलकर मॉलिक्यूल से बनते हैं, फिर एटम से मिलकर बनते हैं, हमारा जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो ये पूरा फिजिक्स की बात करता है दोस्तों, ये पूरा किसकी बात करता है? प्रकृति की बात करता है, वस्तुओं के निर्माण की बात करता है। ज़रा देखिए, प्रकृतिवाद एक व्यवस्था है जिसकी मुख्य विशेषता उस सब को बाहर निकाल फेंकना है जो आध्यात्मिक या वास्तव में जो हमारे अनुभव और मानव प्रकृति के दर्शन से परे हैं। अब आध्यात्मिक को ये बिल्कुल नहीं मानता दोस्तों, प्रकृतिवाद आध्यात्मिक को बिल्कुल नहीं मानता। जो हम हमारे देखने सोचने और सिद्ध करने से बाहर है उसको मानता ही नहीं। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ है, जैसे ये वस्तु बनी है, आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये वस्तु कैसे बनी है, साइंस इसको सिद्ध कर सकता है। आपको ये कह दे कि सिद्ध करिए कि भगवान है, आप मानते हैं कि भगवान हर जगह, तो सिद्ध करिए कि यहाँ भगवान है। तो अगर आप इन चीज़ों को, हालांकि कुछ लोग अपने दर्शन से, अपने विचारों से, फिलॉसफी से इस बात को सिद्ध करेंगे, लेकिन साइंटिफिक कैसे आप सिद्ध करेंगे कि यहाँ पे मेरे सामने भगवान? तो यह विचारधारा इसको रखती है। फिर से एक बात है, हमें डिबेट में नहीं जाना है, बस हमें ये जानना है कि ये विचारधारा क्या कहती है। तो ये विचारधारा ये कहती है कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो चीज़ें वास्तव में हैं उसी को हम मानेंगे, इसके अलावा चीज़ों को नहीं मानेंगे। ओके, अब आइए ब्राइस क्या कहते हैं दोस्तों। ब्राइस कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिकता है उसके बहिष्कार की एक प्रमुख विशेषता है, आध्यात्मिक जगत की बहिष्कार करती है, इसको नहीं मानती। अब आइए थॉमस क्या कहते हैं। थॉमस कहते हैं प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानती है। यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, यह प्रकृतिवाद मानता है। अब जैसे प्रकृतिवाद वास्तव में क्या मानता है, जैसे मान लीजिए पेड़ एक प्राकृतिक चीज़ है, जैसे पेड़ हुआ वो एक उम्र तक बढ़ेगा फिर उसके बाद गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही मनुष्य है, इस जन्म लिया, आया, एक बार ख़त्म आएगा फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्राकृतिक एक नेचुरल प्रोसेस मानता है, प्राकृतिक चीज़ें मानती है। ये नहीं मानता कि ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी फिर ईश्वर हमारे रूह को निकाल लेगा, ये इन सारी चीज़ों को नहीं मानता। अब इसकी तत्व मीमांसा क्या मानता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ठीक है, कैसे बना इंसान या वस्तु कैसे बना? तो ये मानता है दोस्तों परमाणु के सत्य अनश्वर और अविभाज्य मानता है। ठीक है, कि एक परमाणु है जिससे मिलकर ये चीज़ें बनी हैं, आकार एवं मात्र में भिन्न होता है, इन्हीं के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना हुई है। जैसे एटम से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर एक ब्रह्मांड की रचना हुई है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर एक मनुष्य की रचना हुई है। जो दृश्य वह परमाणु के सहयोग का फल है। प्रकृतिवाद के अनुसार मनुष्य इंद्रियों एवं विभिन्न शक्तियों का समन्वित रूप है, सब प्रकृति का खेल है, इसमें आत्मा नामक चेतना तत्व नहीं है, इसमें आत्मा कुछ है नहीं, सब प्रकृति है। संपूर्ण सृष्टि का नियम विद्वान है, सब कार्य नियम के अनुसार होते हैं, मनुष्य की प्रकृति के अधीन है अर्थात स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति के नियम शाश्वत एवं परिवर्तनशील होते हैं, प्रकृति के नियम बदलते रहते हैं। मनुष्य की निर्माण कैसे हुई दोस्तों? कोशिकाओं से मिलकर हुई या एक प्रक्रिया से हुई, जैसे कि मनुष्य की आपस की प्रक्रियाओं के बाद एक निर्माण हुआ एक मनुष्य का, तो इसमें ना कोई आत्मा है, ना कोई चेतना है, ना मन है, इन चीज़ों को ये नहीं मानता। प्रकृतिवाद दर्शन को विचार, प्रकृतिवाद दर्शन को
अब ज्ञान क्या होता है दोस्तों, ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेना है? तो दोस्तों ये इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने को बल देता है। जो आप देख सकें, जो आप अनुभव कर सकें, वही ज्ञान है। आदर्शवाद कहता था कि ईश्वर को प्राप्त करना ज्ञान है, ये ईश्वर को नहीं मानता। और यथार्थवाद भी दोस्तों हमारे अनुभव और इंद्रियों के ज्ञान पर ही बल देता है। तो यथार्थवाद और प्रकृतिवाद वो काफ़ी सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यह इंद्रिय द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान को सत्य मानता है। हर्बर्ट स्पेंसर इस ज्ञान को निम्न स्तर के ज्ञान से ऊंचा एवं तत्व ज्ञान से निम्न मानता है। तत्व ज्ञान पूर्ण रूपेण संगठित ज्ञान है, मतलब एक सिस्टमेटिक ज्ञान है। जैसे आप जो भी साइंस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें तत्व ज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आइए इसकी आचार और मूल्य मीमांसा की बात कर लेते हैं। प्रकृतिवाद पदार्थ एवं क्रियाओं को ही सत्य मानती है, जो प्रोसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी को सत्य मानती है। इसके अनुसार प्रकृति में अपने आप में शुद्ध है और इसके अनुकूल ही मनुष्य को आचरण करना चाहिए। आदर्शवाद कहता था कि नैतिक बनिए, अच्छे आचरण रखिए, सच बोलिए, ईमानदार बोलिए। कहता है ऐसी बात नहीं है, जो भी प्रकृति के अनुकूल रहिए। अगर जो सच बोलने के लायक है तो सच बोलिए, अगर आपको बचना है, आपको खुद की रक्षा करना है तो झूठ भी बोल सकते हैं, ये मानता है। जिससे सुख मिले मनुष्य को, अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, मतलब इस दुनिया में खुश रहिए। वह मनुष्य को किसी प्रकार के सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों के बात कर नहीं रखना चाहता। ठीक है, कोई भी आध्यात्मिक बंधन नहीं है आपके पास। मनुष्य को जो कार्य सुख देता है वही कार्य करे। प्रकृतिकवाद केवल प्राकृतिक और प्राकृतिक नैतिकता को मानता है, प्राकृतिक नैतिकता को मानता है, इस दुनिया को मानता है। तो ये वही बात प्राकृतिकवादी। अब इसके कुछ मूल सिद्धांत देखेंगे, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे एक बार कंक्लूजन देख के। इसके प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या है? यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, भौतिक संस्कार सत्य है, मनुष्य संस्कार की श्रेष्ठतम रचना है, ये हर एक चीज़ माना है। मानव विकास प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं और प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है, इस दुनिया को जी लेना ही उत्तम है। और यहाँ पे बात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब एक बार ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं। अब एक और चीज़ आता है, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म दोस्तों इन्हीं के सिमिलर है, ये तीनों एक तरीके के। प्रैग्मेटिज्म भी कहता है कि ये पूरे संसार की रचना कुछ क्रियाशील तत्वों से मिलकर बनी है। क्रियाशील तत्व, आप जब कोई क्रिया करेंगे तो किसी चीज़ के निर्माण होगी, ये प्रयोजनवाद मानता है। हमने इस वीडियो में आदर्शवाद को समझा। आदर्शवाद ही एक ऐसा मात्रवाद है जो ईश्वर की अस्तित्व को मानता है, आत्मा को मानता है, जो नैतिक जीवन जीने पर बल देता है, सच बोलने पर बल देता है। सत्य ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही आपका ज्ञान है दोस्तों, ये और इसकी निर्माण ईश्वर के द्वारा हो गई है, ये आदर्शवाद मानता है। यथार्थवाद मानता है रियलिज्म की जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो वास्तव में है, जो अस्तित्व में, वही सत्य है। ये आध्यात्मिक, ये भौतिक जीवन ही सत्य है, आध्यात्मिक जीवन से मतलब नहीं है। ठीक है, जो आप देख सकें, सुन सकें, खा सकें, यही वास्तव में सत्य है। और जो प्रकृतिवाद है दोस्तों, ये तो आदर्शवाद की बिल्कुल विपरीत है। प्रकृतिवाद बिल्कुल नहीं मानता ईश्वर की अस्तित्व को, मन को, चेतना को, आत्मा को। प्रकृतिवाद कहता है कि ये प्राकृतिक नियम है जो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, अपने कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, ये क्रियाशील से मिलकर बने हैं। और इसके दोस्तों सिद्धांत क्या दिए कि ब्रह्मांड की रचना प्राकृतिक हुई है और भौतिक संस्कार ही सत्य है, मनुष्य क्या ही संसार के श्रेष्ठतम रचना है, मानव विकास प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हुआ मानव का विकास, और प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है, इस दुनिया में जी लेना ही उत्तम है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट हुए। अब आप एक चीज़ देखिएगा, ये दर्शन है। दर्शन का मतलब जानना होता है, तो किसी चीज़ की दर्शन कैसी होती है, किसी चीज़ की सोच कैसा होता है, ये हमें जानना है। अब जब आप एग्जाम में ये सवाल पूछेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टू द पॉइंट या एज इट इज़ लिखे, नहीं, आपने समझ लिया कि आदर्शवाद की सोच क्या है, आदर्शवाद का विचार क्या है, आदर्शवाद का सिद्धांत क्या है। अब उस आधार पे अपनी समझ के आप कितना समझते हैं आदर्शवाद को, ऐसे आपको हेडिंग वाइज लिख देना है। कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि एज इट इज़ कॉपी करने के लिए, कर ही नहीं सकता कोई। ये विचारधारा ऐसी, जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके बाद जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो हो सकता है कि इसके अलग हो, चीज़ें मिलेंगी लेकिन बनाने का तरीका अलग हो, क्योंकि ये दर्शन है भाई। आप जिस चीज़ को जितनी बार पढ़ेंगे उस तरीके से आप उस चीज़ को जानेंगे, लेकिन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि आदर्शवाद आध्यात्मिक को मानता है, यथार्थवाद प्रकृतिवाद आध्यात्मिक को नहीं मानते हैं, यथार्थवाद वस्तु को मानता है जबकि प्रकृतिवाद सारी चीज़ों को प्रकृति मानता है। इस दर्शन के आधार पर जो आपसे सवाल पूछे आपको उसको लिखना है। ओके, समझ आ गई, लिख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। बाकी दोस्तों आपके इस विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, कोशिश करिए कि और आपके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। खूब खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।